गुड मॉर्निंग। बीएसटी से फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटी से फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हमें कौन कौन से कार्य को करना चाहिए ताकि एक भारत एक विशाल गणराज्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो। इसके लिए हमें निम्नलिखित रूप से कार्य करने होंगे जिसके द्वारा अपना देश एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो सके। इसके लिए हमें हमारे देश के अंतर्गत हमारे समस्त नागरिकों के अंदर किसके नैतिकता के गुणों का विकास करना होगा, एक अच्छे गुणों का विकास करना होगा। इसके लिए हमें उन नागरिकों को क्या प्रदान करनी पड़ेगी, नागरिकता प्रदान करनी पड़ेगी। यदि नागरिकों को नागरिकता प्रदान की जाए तो वह नागरिक अपने देश के लिए समर्पण का भाव उनके अंदर जगेगा और अच्छे गुणों का विकास होगा। इसी संदर्भ में नागरिकता के संदर्भ में प्रोफेसर कृष्ण दुबे ने कहा है कि नागरिकता किसी व्यक्ति को उसकी पहचान राष्ट्र व राज्य के संबंध में करवाते हैं। नागरिकता क्या है, किसी भी व्यक्ति की पहचान है वो कैसे करवाते हैं, या तो उसके राष्ट्र या राज्य के से संबंधित होने का दावा करती है। जैसे कोई व्यक्ति इंग्लैंड का है तो उसे ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त होगी, कोई व्यक्ति आयरलैंड का है वो आयरिश व्यक्ति कहलाएगा, उसे कोई व्यक्ति भारत का है तो वो एक भारतीय व्यक्ति कहलाएगा। तो उसकी पहचान है वो किससे होती है, किसी राष्ट्र से करवाती है जिसके प्रति उस व्यक्ति की भावना, इस व्यक्ति की आस्था एवं समर्पण की भावना होती है। और जिसके प्रति देश के बाद में जिस व्यक्ति जो है जिस देश की नागरिकता प्रदान होती है तो वह उस देश के प्रति आस्था का भाव रखता है और उसके प्रति समर्पण या त्याग और बलिदान की भावना भी विकसित हो जाती है। राष्ट्र के ऊपर आने वाले हर संकट को दूर करने के लिए वह सक्षम रहता है तथा वह व्यक्ति उस राष्ट्र के उद्देश्यों, नियम कानून एवं राष्ट्रीय परंपराओं का पालन करने के लिए वचनबद्ध होता है। इसके लिए वो व्यक्ति क्या उस राष्ट्र के द्वारा जो निर्माण उद्देश्य, राष्ट्र के द्वारा बनाए गए कानून एवं राष्ट्रीय परंपरा या हमारी प्राचीन राष्ट्रीय परंपराओं के प्रति वो व्यक्ति क्या होता है वचनबद्ध, उनका पालन करने के लिए वचनबद्ध रहता है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नागरिकता क्या है, एक व्यक्ति को अपने राष्ट्र की पहचान दिलाती है और उस व्यक्ति के राष्ट्र की पहचान मिलने के बाद में वो अपने देश के प्रति आस्था का भाव रखता है और समर्पण का भाव रखता है। उसके बाद में व्यक्ति उस राष्ट्र के वचन है, नियम है, इन सभी का पालन करने के लिए व्यक्ति वचनबद्ध रहता है, कानूनों का पालन करने के लिए। गणराज्य को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपाय है वो इस प्रकार से है। पहला क्या है, देश के प्रति समर्पण का भाव। किसी भी देश के नागरिक को, चाहे वो किसी भी मूल का नागरिक हो, चाहे भारत का हो, चाहे किसी अन्य देश का हो, तो उस नागरिक को क्या करना चाहिए, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। देश के प्रति किसी भी संकट के लिए उसे तत्पर तैयार रहना चाहिए, अर्थात देश के प्रति कुछ समर्पण यानी त्याग करने का भाव उसके अंदर होना चाहिए, तभी वह एक देश का वो गणराज्य के रूप में हम स्थापित कर सकते हैं। दूसरा, मान्य हुए मूल्यों का विकास। व्यक्ति के अंतर्गत करुणा, दया, प्रेम, सहयोग आदि की भावनाओं का विकास होना चाहिए। यदि व्यक्ति के अंदर इन मानवीय गुणों, मानवीय मूल्यों का विकास होगा तो हमारे देश से वो पूर्ण रूप से गणराज्य घोषित हो सकता है या गणराज्य इसका किया जा सकता है। यदि समस्त नागरिकों के अंदर ये गुण आ जाएंगे तो आपस में सभी प्रेम से रहना सीखेंगे। फिर राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास। एक गणराज्य की पहचान ये होती है कि उस राष्ट्र के जो जितने भी लोग हैं उन लोगों के अंदर विविधता होने के बावजूद भी क्या होने चाहिए, परस्पर एकता का भाव होना चाहिए। जैसे हमारे देश के अंतर्गत विविधताओं का देश है, फिर भी राष्ट्र के नाम पर सभी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हो जाती है और राष्ट्र पर आने वाले संकट के लिए सामना करने के लिए सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। फिर है राष्ट्र की सर्वोच्चता का ज्ञान। एक राष्ट्र को गणराज्य हम तभी स्थापित राष्ट्र को गणराज्य के रूप में तभी स्थापित कर सकते हैं तब हमें उस राष्ट्र की सर्वोच्चता के बारे में ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक देश का एक इतिहास होता है, उस देश के इतिहास के आधार पर भी उसकी सर्वोच्चता को नापा जाता है, अतः सर्वोच्चता के ज्ञान के आधार पर भी हम किसी भी देश को गणराज्य के रूप में स्थापित है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आत्मानुशासन का विकास।
व्यक्ति के अंतर्गत आत्मा अनुशासन का विकास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही कुछ अनुभव कर सकता है जिसके द्वारा वह स्वयं को अनुशासित रखते हुए देश के विकास में मदद डालने वाले तत्वों को दूर कर सकता है। तो व्यक्ति के अंदर आत्मा अनुशासन का भाव है वो होना चाहिए, तभी एक ऐसे और गणराज्य के रूप में स्थापित हो सकता है। फिर नेक्स्ट है अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान। किसी भी देश के संविधान के अंतर्गत किसी भी देश के व्यक्ति को उस देश के संविधान के द्वारा कुछ कर्तव्य और कुछ मूल अधिकार दिए होते हैं। उन मूल अधिकारों का ज्ञान होना प्रत्येक नागरिक को अत्यंत आवश्यक है। जैसे हमारे देश के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत नागरिकों के 6 अधिकार है, तो उन 6 मूल अधिकारों का ज्ञान उन्हें होना आवश्यक है। उसके अलावा 11 कर्तव्य के संबंध में भी जानकारी होना आवश्यक है, तभी वे अपने कर्तव्य और अधिकारों का उपयोग है वो कर पाएंगे और एक राष्ट्र गणराज्य के रूप में स्थापित हो पाएगा। नेक्स्ट है देश के विकास में सहयोग। हमें आवश्यकता पड़ने पर देश के विकास में सहयोग करना चाहिए। यदि हम देश के विकास में सहयोग करेंगे तो हमारा राष्ट्र दिन ब दिन उन्नति की ओर जाएगा और इस प्रकार से हमारा देश एक प्रगतिशील राष्ट्र के श्रेणी से विकासशील राष्ट्र बन पाएगा। इस प्रकार से देश के विकास में हर व्यक्ति का सहयोग होना अत्यंत आवश्यक है, तभी जाकर राष्ट्र एक समृद्धिशाली देश बनेगा। फिर है बलिदान की भावना का विकास। प्रत्येक राष्ट्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिए बलिदान की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि राष्ट्र के को संकट आता है तो सभी व्यक्ति मिलजुल कर उसका सामना करेंगे, हमें मिलकर अपना बलिदान देंगे, तभी जाकर राष्ट्र वो स्वतंत्र हो पाएगा। यदि हमारे वीर सेनानियों ने स्वतंत्र संग्राम के सेनानियों ने यदि संघर्ष नहीं किया होता तो आज हम स्वतंत्र नहीं होते। तो राष्ट्र राष्ट्र को गणराज्य घोषित करने के लिए उसके नागरिकों के अंदर बलिदान का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से ये भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करने के लिए ये हमारा वीर था जो इस प्रकार से था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि राष्ट्र को किस प्रकार से गणराज्य के रूप में घोषित है वो स्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए क्या करते हैं हम नागरिकों के लिए उत्तम नागरिकता को प्रदान करते हैं। यदि नागरिकों को नागरिकता प्रदान की जाए तो उनके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत होगी और ऐसी स्थिति में नागरिक है वो अपने देश के प्रति सजग रहेंगे और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उनके अंदर मानवीय गुणों या मानवीय मूल्यों का विकास होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक नागरिकों की अहम भूमिका होती है और उनके अंदर हमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना है। राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करेंगे तभी जाकर हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के अंदर एक गणराज्य स्थापित कर पाएंगे। इसके अलावा हमें जब भी देश को हमारी सहायता चाहिए तो ऐसी स्थिति में हमें देश के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए और बेझिझक में सहायता करने के लिए तैयार रहना होगा और अपने अंदर अनुशासन भी बनाए रखना होगा। यदि अपने अंदर अनुशासन होगा तो राष्ट्र दिन ब दिन क्या करेगा उन्नति करता रहेगा। देश के विकास में सहयोग दे और राष्ट्रीय विकास में आने वाले बाधक तत्वों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहें। इस प्रकार से ये सभी बातें हम ध्यान में रखेंगे तो हम एक अपने देश को कैसा एक गणराज्य के रूप में प्रस्तुत है वो जनता के समक्ष कर पाएंगे। तो इस प्रकार से गणराज्य के रूप में देश को स्थापित करने के लिए हमें बातों पर ध्यान रखना होगा। पहला देश के प्रति समर्पण का भाव रखना होगा, त्याग का भाव, दूसरा मानवीय मूल्य को विकसित करना होगा, इसके अलावा राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना होगा। राष्ट्र की दृष्टि से सभी व्यक्ति कैसे एक हैं, चाहे हमारे अंतर्गत अनेक प्रकार की विविधता हो, हम जाति से अलग हो, धर्म से अलग हो, हमारी संस्कृति अलग हो, लेकिन राष्ट्र पर संकट आता है तो हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता के भाव को विकसित करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। राष्ट्र की सर्वोच्चता का ज्ञान भी हमें होना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसी महान बातें जिसकी वजह से हमारा देश इतना महान है, इसलिए सभी बातें हमको ज्ञान होनी चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति के जो अधिकार और कर्तव्य दिए गए उन कर्तव्य और अधिकार के बारे में भी उन्हें पूर्ण रूप से सजग होना पड़ेगा, तब जाकर वह व्यक्ति
अपने मौलिक अधिकारों और कर्तव्य का उपयोग कर पाएगा और राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव है उसके प्रति रहेगा और राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव रहेगा और ऐसी स्थिति में हमारा राष्ट्र वह विकसित होगा। इसके अलावा देश के विकास में सहयोग देना है, चाहे हमें किसी भी प्रकार का सहयोग देना है। जरूरी नहीं है कि देश के लिए हम बलिदान हो जाए, हम अपना बलिदान दें, लेकिन जरूरी ये पता है कि देश के लिए यदि कब समस्या आती है तो हमें देश के लिए आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए, आर्थिक सहयोग देना चाहिए ताकि देश की आर्थिक स्थिति वो काफ़ी सुधार में आए और सुधार हो सके। इसके अलावा बलिदान की भावना का विकास करना, बलिदान की भावना का विकास करने से ताकते हैं कि देश के लिए हमें तत्पर तैयार रहना चाहिए। किसी भी समय में देश को अपनी आवश्यकता पड़े तो हमें अपने प्राणों का भी उत्सव करने के लिए तत्पर रहना होगा। जब जाकर एक अपना देश एक गणतंत्रात्मक देश है वो बन पाएगा। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।